मुंबई के चेंबूर इलाके में टेमी नगर ब्रिज के नीचे कई वर्षों से कई परिवार सब्जी भाजी बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, मगर इस ब्रिज के नीचे मुंबई महानगर पालिका एम वेस्ट के अधिकारी के द्वारा बीएमसी कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भाजी विक्रेताओं में असंतुष्ट नजर आ रहा है। भाजी विक्रेताओं का कहना है कि बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर अपना कार्यालय बनाकर हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर कई वर्षों से सब्जी का धंधा लगाकर अपना घर चलाते हैं। अगर हमें धंधा करने को नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा और हम कैसे अपना पेट पालेंगे। हमें धंधा करने के लिए महानगर पालिका के अधिकारी कोई जगह दे जिससे हम अपने घर की रोजी रोटी को चला सकें। भाजी विक्रेताओं का यह भी कहना है कि एम वेस्ट के अधिकारी हम पर अन्याय कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले भाजी विक्रेताओं की समस्या को जानने के लिए स्थानीय विधायक प्रकाश पातेरकर ने दौरा किया और भाजी विक्रेताओं की मदद करने के लिए आगे आए। वहीं स्थानीय मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी भी सभी भाजी विक्रेताओं की मदद करने में जुटे हुए हैं। पार्वती दिनकर कामले, ये ब्रिज नहीं बना था जब से बैठता है हम लोग। पार्वती दिनकर कामले, जगह मिलना मांगता है हमको, एक एक तो गोनी का जगह मिलना मांगता है ना। इतना साल से हम लोग बैठता है, 50 बरस हो के गया हम लोग को, ये ब्रिज नहीं बना था जब से हम लोग बैठता है इधर। और क्या, जगह तो मिलना मांगता है कुछ भी करके। गरीब लोग जाएगा किधर, खाने को पीने को वांधा होता है ना। हम लोग कमाने वाला कौन है हमारा घर पे, सब हम लोग ऐसा बैठे है। थोड़ा थोड़ा माल लेके आके बेचता है हम लोग पेट के लिए। रुक्मणी है, 40-50 साल हो गया इधर ही धंधा करते है। हम लोग गरीब लोग है, धंधा जगह दे मांगते है, आदमी लोग नहीं है, हम लोग को कमा के खाते है। इतना हम लोग बोलने का और क्या बोलने का। जगह चाहिए हमको, किधर भी दो जगह हम लोग को, एक बैठने के लिए जगह दो हम लोग बैठने का। 50 साल का ऊपर हो गया हम लोग को जगह मांगते है, हम लोग किधर जाएंगे। 50 साल हो गया हम लोग का धंधा करके, हम बचपन से धंधा करते हैं ये जगह पे, ये बिरजी भी नहीं बनाया जब से हम लोग धंधा करते हैं। मेरा नाम सुनील है, मेरे को सब बालू भाई बोलते हैं। इधर से कम 30 साल से हम लोग फ्रूट का धंधा करते हैं। मेरे डैडी कम से कम 50 साल से यहाँ धंधा कर रहे थे और ये एक ही जोगाला है जिसकी वजह से फेरे वाले को बैठने को मौका मिल सकता है। अब इधर ये ऑफिस नहीं बनाएगा था, और कहीं भी बनाएगा था चल सकता है, पर अगर यहाँ अगर बनावे ऑफिस तो कम से कम 100-150 फेरे वाले की रोजी रोटी चली जाएगी। और ये हम लोगों ने बहुत बार अप्लाई किया था, जैसा वो साइड में भाजी मार्केट है वो साइड, वैसा ये साइड में भी भाजी मार्केट होना चाहिए करके हम लोग वाड़ा ऑफिसर से बात किए थे, वो लोगों ने मंजूरी भी दी थी। अब ये लोगों ने अचानक एक सब काम चालू किया है और ये सब लोगों के रोजी रोटी पे ये आने वाली है, नौबत आने वाली है। यहाँ से रास्ता चालू हो जाएगा तो किसी को भी बैठने को नहीं मिलेगा। ये एक सहारा है जो हमको इधर हम लोगों को बैठने को मिले और इधर कम से कम 100-150 आदमी लोगों की रोजी रोटी बच सकती है। ये अभी तक कहीं भी बनाएगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर यहाँ से मार्केट अगर कहीं चला जाएगा तो किसी का भी धंधा पानी नहीं होगा, सब लोग अपने इस पे आ जाएंगे, रस्ते पे आ जाएंगे। हम लोगों ने आंड्रे साहब से भी मिला था, उन्होंने भी बोला था ये काम रोकेंगे करके, और अभी तक काम रुका नहीं है। हम लोग फातेहगढ़ साहब के पास भी गए थे, उन लोगों ने भी बोला था कि हम काम रोकेंगे, पर अभी काम रुका नहीं है, अभी चल रहा है। हम लोगों के इन लोगों की ये उम्मीद है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, हमारा मार्केट बचना चाहिए और कम से कम हम लोगों को बैठने के लिए जगह मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांगे। आगे आगे चल के हम लोग सोच रहे कि उसका कुछ भी हाल आंदोलन करने का सोच रहे, जैसा भी हो, रास्ता रोको हो या वार्ड ऑफिस में जाके ठिया आंदोलन हो, वो करने का हम लोग सोच रहे। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अंसारी है और यही फाटक की पैदाइश हूँ मैं। मेरी पैदाइश से पहले से मार्केट है, मेरी उम्र खुद 35 साल है और ये मार्केट 40-45 साल पुरानी मार्केट है। जब ये टेम्बे ब्रिज भी नहीं बना था तब की ये मार्केट है। पहले ये टेम्बे ब्रिज बनाने की वजह से मार्केट हम लोग को इस तरफ सरकाया गया, बाद में टेम्बे ब्रिज बना तो हम लोग खुद अंदर मार्केट अंदर धंधा करते थे, तो अंदर पानी के पाइप के लिए, डेनिस लाइन के लिए हम लोग को फिर बाहर निकाला गया। अब हम लोग बाहर धंधा कर रहे, एक तरफ अंबर बिल्डर का बिल्डिंग बन रहा है और दूसरी तरफ ये ब्रिज है। अब ये बीएमसी वाला हम लोग को बिना इन्फॉर्म करे बीएमसी का गाला बना रहा है। अच्छा, बीएमसी का गाला बना रहा है तो हमारा मार्केट के लिए तो कुछ क्लियर रास्ता करे, मार्केट के लिए तो कुछ क्लियर रास्ता करे। अभी ये बीएमसी का मार्केट बना देगा, फिर 1-2 साल के बाद ये रोड चालू हो जाएगा, तो ये मार्केट वाले, हम लोग धंधा करने वाले किधर जाएंगे? सबसे पहले ये सवाल है। वार्ड ऑफिसर को बोल रहे हैं, हम लोग इंजीनियर को तो बोल रहे हैं, तो ये बोलता है कि आके बात करो, मगर वो लोग खुद इधर आके बात करने हम लोग से तैयार नहीं। कल के दिन आज ये बीएमसी का जो खाली जगह पड़ी हुई, यहाँ पर हम लोग का धंधा था, अभी हम लोग को बाहर निकाल के ये बीएमसी का ऑफिस बना रहा है, फिर 1-2 साल के बाद ये रोड चालू हो जाएगा, तो ये मार्केट वाले किधर जाएंगे?
यही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हमारी मांग बीएमसी से सिर्फ ये है, या तो ये खाली गाला हम लोगों को मार्केट के लिए दे दिया जाए, या तो ये रोड का जो जगह है हम लोग जहाँ बैठे हुए ये जगह हम लोगों को परमानेंट हमेशा के लिए लिख के दे दिया जाए, बस यही बोलना चाहता हूँ। आप इस जगह का भी वीडियो निकाल लीजिए। ये धंधे की वजह से कम 170 से 160 लोगों का घर चलता है, और ये बहुत जूनी मार्केट है जिसके हमारे पास पावती 2000 साल की है, 98 के बीएमसी पावती है, और बीएमसी ने हम लोग को इससे पहले 2 साल पहले बुलाया कि हमारे को गुमस्ता लाइसेंस देगा और आधार आधार उद्योग आधार देगा बोल के हम लोग को बुलाया था, जिसका खुद बीएमसी में हम लोगों ने जाके फ़ोटो निकाला था। वो फ़ोटो भी हमारे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बताओ फाइल बताओ बाबा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप ये कैमरे में दिखा सकते हैं, ये बीएमसी पावती 98 का है, और ये जो बीएमसी वार्ड में हम लोग ने जाके बीएमसी वार्ड में जो फ़ोटो निकाले थे कि जिसका मार्केट का जगह है, जिसका धंधे का जगह है, धंधे वाले को दे दिया जाएगा, कांदे वाले को कांदे का एंट्री कराया था, भाजी मार्केट वाले को भाजी का एंट्री कराया था। ये सन 4 तारीख 5वां महीना 2002 की ये बीएमसी की पावती है। इसके बावजूद भी आज भी बीएमसी वाला हमारा कुछ सुनने तैयार नहीं और हमारे को कुछ बोलने तैयार नहीं। आप देख सकते हैं हमारे बीएमसी का पावती है, ये 98 की पावती है जो आज से 21 साल पुरानी है, और ये 2002 की पावती है जो 2002 के हिसाब से भी आप देखा जाएगा तो फिर भी हम लोग 19 साल पुराने हैं। 85 साल में रहता हम लोग, धंधा करता है, इधर ही रहता हूँ, किधर भी जाता नहीं है, किधर भी नहीं जाता, इधर ही आए। मुनी अम्मा अब हम लोग इतना साल से धंधा कर रहे हैं, 40 साल होता है, 40 साल से धंधा कर रहे हैं। वो पुल का नीचे हम लोग बैठा था, गंदे डालने के लिए हम लोग को चोर गाड़ी लेके आके छोड़ के बाहर भगाया, कभी से उधर बैठने की जगह नहीं, बीच में डाल दिया, वो साइड में भी बैठने के नहीं होएगा, ये साइड में बैठने के नहीं होएगा, उसका बाद में निकल के ऑफिस बना रहा। वो सब आए, ग्रुप भी आए, बीएमसी कौन क्या ग्रुप दिया, वो ग्रुप सब आए हम लोग का पास। अभी हम लोग का पुल का नीचे जगह मांगते हैं, अभी भगाएंगा तो क्या करेगा, किधर जाएगा, ये गाला खाली करके मांगते हैं। बाजी में चल रहे, बाकी कैसे चल रहे, काम धंधा वाला थोड़ी हम लोग, बाकी कुछ नहीं, काम धंधा वाला तो नहीं है, इसमें रोजी रोटी चालू है, थोड़ा थोड़ा करके अंदर छोड़ेंगे तो बस हो गया। वही लोग निकला पहला कंटेनर डाल के, वही लोग बाहर निकाला। मेरा नाम सरस्वती है, मैं 55 से धंधा करती हूँ, 2 साल से अभी तक धंधा करता है हमारा। इसमें इधर धंधा करने की वजह से हम लोग को बहुत बैठने की जगह नहीं है, और अंदर से हम लोग बाहर आकला है, अभी अंदर बैठने की भी नहीं दे रहे, दूसरा ऑफिस इधर ला के बाहर से अंदर बना। हम लोग को जगह चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, पेट के लिए एक बाल करने के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए हम लोग को जगह चाहिए, बस इतना ही है, हम लोग और कुछ नहीं लेने देना है। सरकार से क्या कहना चाहूँगा तो हम लोग को यही चाहिए, हमारा पेट में मारो मत, हम लोग को बाल बच्चों को कमाने के लिए, हम लोग को बैठने के लिए लाइफ चाहिए। नहीं आपको ऑफिस बनाना जा रहे हैं, हम लोग को जगह बता दीजिए, हम लोग को आदमी नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग को यही धंधा करके हम लोग पेट बाल करते हैं, पेट भरते हैं बस।